इस देश में डेमोक्रेसी का कत्ल हो रहा है, डेमोक्रेसी का कत्ल हो रहा है। कर्नाटक जीत गया है तो वहाँ डेमोक्रेसी का कत्ल नहीं हुआ था, हिमाचल जीत गया है तो डेमोक्रेसी का कत्ल नहीं हुआ था, डेमोक्रेसी को मजाक बना के रख दिया। एक तो मैं किसी से डरती नहीं, तो मैं अगर देश के प्रधानमंत्री के सामने चार सवाल रखूंगी तो मुझे कोई डर नहीं है कि आप मुझे धमकाइए कि डेमोक्रेसी का क्या होगा, रोज आके बोलते क्या कर लेंगे आप मेरा, रोज एक बार नहीं 10 बार बोलूंगी, 10 सवाल पूछूंगी। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है वायरल डिबेट शो के अंदर। दोस्तों आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाला है वो होने वाला है अंजना ओम कश्यप के शो हल्ला बोल का। इस डिबेट के अंदर पिछले दिनों पूर्व ट्विटर के CEO जैक डॉर्सी ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के समय भारत सरकार ने ट्विटर पर दबाव बनाया कि वो किसान आंदोलन को ना दिखाए। दोस्तों इसी मुद्दे पर आज की डिबेट होगी जिसके अंदर आपको बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक और कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया सीनेट के बीच में काफ़ी तीखी बहस आपको इस डिबेट में देखने को मिलेगी। दोस्तों वीडियो बड़ा ही कमाल का होगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर से देख के जाइएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी जरूर से करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्यों ना माने कि ट्विटर भारत सरकार के दबाव में ऐसा कर रहा था, इस पर आपका क्या जवाब? ऐसा है, इससे बड़ा मनगढ़ंत और मूर्खतापूर्ण सवाल कुछ हो नहीं सकता है कि इस दौरान इस पीरियड में मुझे अभी QT RT UT सब समझा रही थी, एंगेजमेंट समझा रही थी, आदेश को समझा रही थी QT RT AT एंगेजमेंट। आप ट्विटर पर ही एंगेज रहिए मैडम, ट्विटर पर ही पॉलिटिक्स कीजिए। ट्विटर पर राहुल गांधी के 6 महीने फॉलोअर नहीं बोले, इसके लिए भी मोदी दोषी है। हद हद हो गई भाई, ये सोच मतलब इतनी घृणित सोच हो जाएगी, इतनी नीच सोच हो जाएगी, मतलब बिलो द ग्रे मैटर्स है ये सब। किसी के फॉलोअर नहीं बढ़े तो सरकार जिम्मेदार, किसी के फॉलोअर बढ़ गए तो सरकार जिम्मेदार, किसी का एंगेजमेंट हो गया तो सरकार जिम्मेदार। अरे गजब हालत है। तो एक काम कीजिए मैडम, एक काम कीजिए, ये जो अभी चक्रवात आया हुआ है ना, इसके लिए भी मोदी जी को जिम्मेदार ठहरा दीजिए आप। अरे दुनिया में थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करके ना बात करना चाहिए। हम क्यों ना माने, हम क्यों ना माने, आज अब तो ये कोलैबोरेटिव एविडेंस मिल रहा है कि ये जैक डॉर्सी जो है ये आपका जैक है, आप लोग के कहने पे उसने ये बयान दिया है कि भारत सरकार दमन करना चाहती थी, ट्विटर को प्रेशराइज करना चाहती थी। आज तक जरा ये बात बता दे मीडिया, भारत की मीडिया बता दे, अंजना जी ही बता दें कि क्या भारत सरकार ने कभी प्रेशराइज किया है क्या? ठीक है, हम अपने देश की मीडिया को प्रेशराइज नहीं कर पाते हैं, हम ट्विटर को प्रेशराइज कर लेंगे। ठीक है सुप्रिया जी, आप खुद दम भर रही हैं कि अब कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी के ट्वीट्स पर कितने इंप्रेशंस हैं, दूसरी तरफ आप आरोप भी लगा रही हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि जो मौजूदा मालिक अब हो गए हैं ट्विटर के, वो ज्यादा मतलब वो ज्यादा इम्पार्शियल हैं? जैक डॉर्सी सरकार के दबाव में आकर उन्होंने गलत काम कर दिए, तो फिर अब अच्छा उनकी कैसे अचानक से आत्मा जाग रही है और वो ये बातें कर रहे हैं? आपको लगता है कि एब्सोल्युटली बफूनरी और मूर्खतापूर्ण सवालों का इनके मुझे जवाब भी देना चाहिए? इनके पास कोई तथ्य होते हैं? अगर ट्विटर पर डिबेट करने आया तो ट्विटर का ही डेटा दूंगी, उसका मुझे जवाब देना चाहिए। मैं तो किसानों का भी डेटा दे रही हूँ, 1.5 लाख किसानों के ऊपर केस चल रहा है। बीच में मत बुलवाइए अंजना जी, अगर ऐसा करेंगे तो फिर इनको मैं बोलने नहीं दूंगी, ये मैं कह दे रही हूँ। अगर ट्विटर पर डिबेट करने आया तो ट्विटर का ही इंप्रेशन बोला जाएगा ना, 9 गुना है हमारा इंप्रेशन आपसे। आपका बेवकूफी का कंटेंट कोई देखना नहीं चाहता है, आपकी बफूनरी कोई सुनना नहीं चाहता है, आपकी फेक न्यूज़ आपके से लोग उठा चुके हैं। और असलियत यह है कि आज भी आप झूठ बोल रहे हैं, आज जैक डॉर्सी के बयान के बाद। अरे साफ साफ झूठ आप बोलती हैं, ये बेवकूफी कौन है, बेवकूफ कौन है, ये पूरे विश्व को पता है। ठीक है, बराक ओबामा की किताब भी पढ़ी, दोनों ने आप दोनों को जितना एक दूसरे पर बोलना था बोल दिया। लोगों की बात सुनने में मजा आता है, आप लोगों को क्यों लगता है कि दर्शक इंटरेस्टेड है? नहीं, इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है। प्लीज टॉपिक पे रहिए, अपनी पार्टी की तरफ से आए, सिर्फ पार्टी की लाइन रखिए, एक दूसरे पर मत हमला कीजिए। बेवकूफ अगर इस तरह की बात, मैं दोनों के लिए कह रही हूं, उस तरह के से भाषा पे जरा संयम टॉपिक पे आइए। क्या एलन मस्क इंपार्शियली बिहेव कर रहे हैं? एक सेकंड, क्या आपने जो आरोप लगाया कि राहुल गांधी के फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे थे, यानी जैक डॉर्सी दबाव में सरकार के काम कर रहे थे और एलन मस्क इंपार्शियल होकर काम कर रहे हैं, वो बढ़ने दे रहे हैं? जो सब बोला गया ना दोबारा से रिपीट करूंगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कोई मेरे बीच में बोले जब मैं नहीं बोल रही थी, जब मैं इनका प्रवचन सुन रही थी, और मैं फिर से बोलूंगी और मैं आशा करती हूं आप मुझे बोलने दीजिएगा। ट्विटर पर डिबेट करने आए हैं तो ट्विटर के इंप्रेशंस पर बात होगी, ट्विटर की रीट्वीट पर बात होगी, उसके कोट ट्वीट पर बात होगी, उसकी लाइक्स पर बात होगी। आपके पास डेटा नहीं है, ये आपकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। 45 मिलियन अगर हमारी रीच आ रही है, आपकी 5 मिलियन आ रही है। 1000 गुना फॉलोवर मोदी जी के ज्यादा है, इंप्रेशंस वगैरह सब राहुल गांधी जी के तिगुना है, वो अलग बात है। क्योंकि लोग आपकी उबकाऊ बातें, लोग आपकी झूठ, आपका फेक न्यूज नहीं सुनना चाहते हैं, लोग नफरत नहीं बर्दाश्त करना चाहते हैं, मोहब्बत की बात करना चाहते हैं लोग। और एक बात आपको और बता दूं, यहां पर बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, आप सिंपल सा स्टैंड लीजिए ना। अगर ट्विटर इतना बर्बाद है, इतना खराब, छोड़ दीजिए ट्विटर, काहे दिन भर ट्विटर करते, मत करिए। मुझे यहां पर ये ज्ञान दिया जा रहा है कि मैं ट्विटर पे रहूं, भाई मैं तो, मुझे शो का टॉपिक बताया गया, अंजना जी आपकी टीम का फोन आया, उन्होंने मुझे शो का टॉपिक बताया, मैंने शो पर रिसर्च करी। अब आप बिना रिसर्च के बकबक बकबक कर रहे हैं। चलिए अब छोटा सा जवाब, 2 लाइन का, टाइम खत्म हो गया, सिर्फ 2 लाइन का जवाब अजय जी, सिर्फ 2 लाइन का जवाब। हाँ, मैं सिर्फ 2 लाइन का जवाब अजय जी,
टाइम खत्म हो गया। नहीं, पहले तो मैं जवाब दूंगी ना, आपने मुझे सवाल पूछा था। असलियत ये है कि इनको कोई सुनना नहीं चाहता ट्विटर पे, ना ट्विटर पे ना फेसबुक पर ना इंस्टाग्राम पर। डिस्कशन के लिए आपको नहीं बुलाया गया था, इतना दिमाग लगाइए। घूमते रहे अन्ना जी, इनको चुप करवाइए। किसान जो है अन्ना जी, इनको चुप करवाइए। 750 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई, इनको चुप करवाइए। वही बात है ना, मैंने क्या बोला कि वो जैक हैं, अभी बहुतों के जैक बन गए, तो उस जैक का इस्तेमाल हो रहा है कन्वीनियंटली। आज से चार दिन पहले जब करबीत का बयान आया था अमेरिकन स्पोक्सपर्सन का, राहुल गांधी की किलिंग और डेमोक्रेसी के बारे में, तो उस वक्त कहा था मैडम ने कि किसी ने एंडोर्स कर दिया तो उसको सेलिब्रेट मत कीजिए, और आज तो बड़ा सेलिब्रेशन हो रहा है। तो इसी में कहता हूं कि वो जैक हैं इनके। हर वो चीज जिससे भारत को कटघरे में डाला जाए, भारत की सरकार को कटघरे में डाला जाए, वो जैक बन जाता है कांग्रेस पार्टी का। ये क्यों होता है, जरा जवाब देंगी? अगर खालिस्तानी आंदोलन, अगर खालिस्तानी अकाउंट, अगर खालिस्तान का प्रोपेगेंडा हो रहा हो और उस ट्विटर अकाउंट को भारत सरकार ने बंद करने के लिए कहा, ट्विटर ने कंप्लाई नहीं किया, तो क्या ट्विटर को इस देश में काम करने की इजाजत होनी चाहिए? जरा जिम्मेदार विपक्ष की तरह बताइए तो, अगर आप सरकार में होती तो क्या करती? क्या आपको इस देश की मीडिया पर भरोसा है या नहीं? आपको तो खुलेआम कहना चाहिए था कि हमारे देश की मीडिया ने एक एक दिन, एक एक घंटे, मिनट का मिनट लगातार वो भी वहां खड़ा करके किसान आंदोलन के एक एक पहलू को दिखाया, एक एक चीज को उजागर किया। और वापस क्यों लेना पड़ा काला कानून? प्रधानमंत्री को लगता है सुनती कम है आप लोग, या सुन लेती कि पीएम ने आके क्या कहा कि हम कुछ किसानों को लगता है हम समझा नहीं पाए, कम्युनिकेशन हम नहीं कर पाए, इसलिए हम वापस ले रहे हैं। जिस दिन सुझाएंगे उन्हीं के हित का कानून। और तीसरी बात, हमेशा बीबीसी डॉक्यूमेंट्री आई तब भी आपने जंप किया उस पर, और उस पर भी आपने कहा कि यहां पर डेमोक्रेसी का कत्ल हो रहा है, बीबीसी इतनी पुरानी है क्यों नहीं चलने दे रहे हैं, उसको क्यों बैन किया गया डॉक्यूमेंट्री को? आज वही काम ट्विटर के साथ। एक बार ये नहीं कहा गया कि इसी जैक डॉर्सी को यूएस ने भी बैन किया था? सिर्फ टर्की और नाइजीरिया और इंडिया की बात नहीं है, जहां अमेरिकन कंपनी है वहां की अमेरिकन सरकार ने भी इसे बैन किया था और इसको वार्निंग दी थी, इसे फाइन वसूला था, बैन नहीं किया था सॉरी, वार्निंग दी थी और फाइन वसूला था। जैक डॉर्सी के रेजिम में यह सबसे रोक पीरियड था ट्विटर का, जहां पर गवर्नमेंट को गवर्नमेंट नहीं समझा जाता था किसी भी देश का। यह सिर्फ भारत की बात नहीं है मैडम, क्या अगर आप भारत सरकार में रहती तो ट्विटर के ऐसे कमेंट्स को, और कौन कब बोल रहे हैं ये, जब ये बोर्ड से भी हट गए, एक साल से क्या इनको मुंह में लकवा मारा हुआ था? आपने बनाया जैक इन्हें, जरा देश को यह भी बता दीजिए। अनर्गल आरोप, इस देश में डेमोक्रेसी का कत्ल हो रहा है, डेमोक्रेसी का कत्ल हो रहा है। कर्नाटक जीत गया तो वहां डेमोक्रेसी का कत्ल नहीं हुआ था, हिमाचल जीत गया तो डेमोक्रेसी का कत्ल नहीं हुआ था, डेमोक्रेसी को मजाक बना के रख दिया है। एक घर का मतलब होता है डेमोक्रेसी। इस देश की जनता से जाके पूछिए डेमोक्रेसी है कि नहीं। सुबह से लेकर रात तक गाली देती रहती है प्रधानमंत्री को, कहती है कि आवाज दबाई जा रही है, और किसकी आवाज दबाई जा रही है? एक कह के जाता है कि नॉर्थ कोरिया हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया होता तो टीवी पर बैठ के बोलने की हिम्मत होती? मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने ट्वीट किया है कि देश को शर्मिंदा कर रहा है अंजना जी, देश कैसे शर्मिंदा हो रहा है जैक डॉर्सी के इस बयान से? मैं आपको बताती हूं कैसे शर्मिंदा हो रहा है। यहां पर एक बोलते बोलते बात बोल गए। एक तो मैं किसी से डरती नहीं हूं, तो मैं अगर देश के प्रधानमंत्री के सामने चार सवाल रखूंगी तो मुझे कोई डर नहीं है कि आप मुझे यहां धमकाइए कि डेमोक्रेसी का क्या, अगर रोज आके बोल देती क्या कर लेंगे आप मेरा? रोज एक बार नहीं 10 बार बोलूंगी, 10 सवाल पूछूंगी, हिम्मत है तो कुछ करके दिखाइए। उन लोगों में से नहीं जो डर के दबा के मुझे बीच में नहीं समझ बोलिए, अच्छा जी बीच में मैं बात आपके बीच में रही, आप अपने बारे में अगर बीच में बोलिएगा तो मैं आपको बोलने नहीं दूंगी। यानी प्लीज अजय जी प्लीज, आप दोनों से मेरी रिक्वेस्ट है, नहीं बोलने देंगे आप? अजय जी प्लीज, अजय को माफी मांगनी चाहिए, बोलिए माफी मांगने, अजय सुबह से ड्रामा कर रही है। अजय जी दोस्तों, सबसे पहले तो सभी सच्चे देशभक्त और रामभक्त प्लीज कृपया करके कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत वंदे मातरम और जय श्री राम जरूर से लिख के जाइएगा। बात ही दोस्तों इस डिबेट की, डिबेट के अंदर सुप्रीशनेट मैम और बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक के बीच में काफ़ी तूतू मैम और तिक्की बहस आपको देखने को मिली, क्योंकि दोस्तों जैक डॉर्सी ने थोड़े दिन पहले एक बयान दिया जिस पर यह घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां लगातार बीजेपी ने यह हमला बोल रही है कि आंदोलन जो किसान आंदोलन हो उसको दबाने की कोशिश की गई बीजेपी सरकार द्वारा। इसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं है वो तो हमें नहीं पता, लेकिन जैक डॉर्सी की बात करें तो जैक डॉर्सी को 3 साल बाद में ये सब चीज़ें कैसे याद आ रही? तो जैक डॉर्सी साहब 3 साल बाद में आपको ये सब चीज़ें कैसे याद आ रही? कहीं ना कहीं आप पे सवाल खड़े हो रहे हैं और इसका जवाब आपको देना पड़ेगा, और हमारे देश की सरकार को बदनाम करना बंद कर दीजिए। बात रही दोस्तों कांग्रेस की, तो कांग्रेस को तो छोटा सा चूरन चाहिए, जहाँ पे उन्हें चूरन मिल जाता है बस वो पूरे देश के अंदर हाहाकार मचा देते हैं और बोलते हैं कि भैया देखिए लोकतंत्र खतरे में है। अब क्या बोलूं मैं इनके बारे में वो तो मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन आपकी क्या राय इस डिबेट को लेकर आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से करके जाएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों ऐसे वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।